कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इटालियन, उनकी जो जो बेसिक डीएनए है वो इटालियन है। भारत को हमेशा टुकड़ों में देखते हैं और शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो टुकड़ा गैंग से भरी हुई है। सैम अंकल जो है वो जिस तरह से सारे समस्त भारतवासियों को उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की है, किसी को अफ्रीकन, किसी को अरब, किसी को चाइनीज बोलकर, वो बहुत ही आई थिंक निंदनीय है। मानसिकता है जो उसकी फंडामेंटल जो सोच है वो यही सोच है कि भारत को हमेशा टुकड़ों में देखते हैं और शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो टुकड़ा गैंग से भरी हुई है। और इतनी भद्दी बात कहना, हमारी जो सिविलाइजेशन है वो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। बनारस को ऐसी सिटी बताया जाता है कि जो विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है, तो ये भी तो हो सकता है कि भारत के डीएनए सब वर्ल्ड में ट्रैवल किए हों। ऐसा क्यों, भारत की अपनी हमेशा कोई आइडेंटिटी क्यों नहीं हो सकती? हम ये गुलामी के चिन्ह से कब निकलेंगे? जस्ट बिकॉज राहुल गांधी इटालियन है तो इसलिए हम सब पे ये थोप दिया गया है? कोई जो साउथ इंडियन से है वो अफ्रीकन है, कोई अरब है, किस लिए? क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इटालियन, उनकी जो जो बेसिक डीएनए है वो इटालियन है, इसीलिए वो सारे भारतवर्ष पे किसी तरह की अंतर्राष्ट्रीय एक आइडेंटिटी थोप रहे हैं। आई थिंक ही शुड चिल, क्योंकि सैम अंकल जो है वो जिस तरह से सारे समस्त भारतवासियों को उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की है, किसी को अफ्रीकन, किसी को अरब, किसी को चाइनीज बोलकर, वो बहुत ही आई थिंक निंदनीय है और हम उसकी निंदा करते हैं। हम सब भारतीय हैं और हमारी वो आइडेंटिटी है और अब हमें ये गुलामी की चिन्ह से निकलकर हमारी आइडेंटिटी लोगों को कहना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं। हमें जो है किसी तरह की दूसरी आइडेंटिटी अब हम पर नहीं थोपनी चाहिए। जय हिंद।